हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आज की क्लास में हम चैप्टर टू पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है कंप्यूटर का क्रमिक विकास एवं पीढ़ियाँ। कंप्यूटर, जैसा कि आप जानते हैं आप सभी, कि कंप्यूटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आप ये देख रहे हैं कि आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कंप्यूटर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में लगभग सभी कार्यों को करके देता है। हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई भी वस्तु, या शॉपिंग करनी है, बिजनेस करना है, बिल जमा करना है, ये सारे कार्य हमारा कंप्यूटर ही हमें करके दे रहा है। तो ये कंप्यूटर आया कहाँ से, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो प्राचीन समय में जो गणनाएं होती थी उन वो गणनाएं बहुत ही धीमी थी। उस समय इतना विकास तो हुआ नहीं था गणना करने का कि किस तरह से गणना की जाए। तो उस समय जो मिस्र के लोग थे वो संख्याओं को चित्र के माध्यम से लिखते थे, और उस समय हमारा शून्य भी नहीं था। आपको पता होगा कि शून्य का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है, लेकिन वो बाद में हुआ। तो पहले 10, 100, 1000 आदि संख्याओं के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। चिन्ह का मतलब कोई लाइन वगैरह खींची जाती थी जिससे कि ये पहचाना जाता था कि ये 10 है कि 100 है कि 1000 है, और किसी पशु का, पशु से, और या फिर किसी वस्तु के चित्र बनाकर हम संख्याओं को पहचानते थे। तो कितना डिफ़िकल्ट था, कितना कठिन था कि किस तरह से गणनाएं की जा रही थी पहले समय में, जब लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था या इतना ज़्यादा संगणना विकसित नहीं थी कि किस तरह से संगणना की जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम पहले अपना जो विकास के क्रम में पहला कंप्यूटर का रूप आया, छोटा सा रूप, उसके बारे में चर्चा करेंगे।